गुड इवनिंग गाइस। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पर प्लेन राइस, जो कि शादी पार्टियों में और मिलते हैं रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो यार रिफाइंड तेल और मैंने देसी घी ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं इंडिया गेट बासमती राइस, 2 कटोरी ये राइस लिए हैं, ये वाली। तो हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये बादाम है, इसको मैंने 2 पीस में कर दिया है। और ये हम किशमिश ले रहे हैं, अखरोट ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, पिस्ता लेंगे गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर नींबू निचोड़ूंगी मैं, और एक हरी मिर्ची लूँगी, और पनीर मैं डालूँगी इसमें। और लेंगे हम हींग, 2 लाल मिर्ची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी। तो चलिए हमारा जो घी है वो हो गया है, घी हमारा हो गया है। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले तेज पत्ता, और डालेंगे दालचीनी, इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, तो इसका मुंह खोल दिया मैंने इस तरीके से, और डालेंगे लाल मिर्ची। आप इसमें गाजर, मटर, गोभी सब कुछ डाल सकते हो, प्याज, टमाटर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं प्लेन बना रही हूँ। तो चलिए इसमें डालेंगे हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, अब इसी में हम डाल देंगे काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट हमारे। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे हमारे राइस। राइस को अच्छे से भूनेंगे, इसको करीबन 2 मिनट के लिए हम इसी प्रकार से भूनेंगे। आप इसमें इसमें हरी मिर्ची, लाल मिर्ची सब कुछ डाल सकते हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2-4 केसर के लच्छे, और डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से हिला देंगे। इसमें मैं सॉरी गाइस काली मिर्च और लौंग डालना भूल गई, तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बस इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी, और इसमें डाल देंगे पानी। इस कटोरी के नाप से 2 कटोरी राइस मैंने लिए थे, तो यहाँ पे मैं 4 कटोरी पानी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है। बस अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। अच्छे से मैंने हिला दिया है। इसमें निचोड़ देंगे नींबू, ताकि जो है अच्छे से खिले खिले राइस बने हमारे। आप इसमें लाल मिर्ची स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है लाल मिर्ची, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा फीके फीके राइस खाना पसंद नहीं करता, तो मैंने लाल मिर्ची डाली है। चलिए 1 सीटी आने देते हैं इसकी, पनीर वो हमारी सीटी हमारी आती है, इतनी देर में हम पनीर को कर लेंगे। यहाँ तवे को ग्रीस कर लिया है मैंने। पनीर को साथ में कभी मत डालिएगा गाइस, नहीं तो मैश हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पनीर मेरे बच्चों का फेवरेट है, आपने देखा होगा शाही पनीर, और जो है वो यही मंगाते रहते हैं सब्जी ऑर्डर करके, तो वो इसको कच्चा ही खा जाएंगे, और अच्छा भी है। कैसे न कैसे हेल्दी चीज़ बच्चों के पेट में जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा लिए हैं। और अभी मैं बनाऊंगी खरबूजे का शेक, क्योंकि आज मैं जो है मैंगो शेक नहीं बना रही हूँ। चलिए इनको सेक लेते हैं, चलिए उलट देते हैं इनको, गर्म है गाइस। इस तरीके के चपटे हो जाएं तब तक हमें करना है। देखिए गैस को बिल्कुल सिम कर रखा है मैंने।
तो चलिए दूसरी तरफ से पकने देते हैं इनको, फिर निकाल लेंगे। और इधर सीटी भी हमारी आ गई है, बस थोड़ी सी गैस निकल जाए। तो चलिए हम बना लेते हैं खरबूजा शेक। तो चलिए सीख गए ये दोनों तरफ से, तो निकाल लेते हैं इनको। ये देखिए निकाल लिया मैंने। आप ये कच्चा भी खा सकते हो चाट मसाला बुरक के, और वैसे भी खा सकते हो आप, बच्चों को दे सकते हो आप टिफिन में। तो यहाँ मैं खरबूजा ले रही हूँ। ये खरबूजे का जो शेक है ये केवल मैं ही पीऊंगी, बच्चे ओनली वो काट के खाएंगे आम। तो चलिए ये स्लाइस मैंने काट लिए। तो चलिए यहाँ फ्लेवर के लिए मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी मिला सकते हो, और अगर वो भी ना हो आपके पास तो आप इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम मिला लीजिए बनने के बाद। तो चलिए देखिए पनीर हमारा सिक गया है, और यहाँ पे खरबूजा शेक, और बच्चे यहाँ पर लेंगे दही साथ में। शाम है, दही लेना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन वो लेंगे पुलाव के साथ, अच्छा लगता है उनको। और यहाँ पर मैंने आम काट दिए हैं। गैस पूरी निकल चुकी है, कुकर खोल के देखते हैं कि हमारे राइस कैसे बने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं आप। तो देखिए ये हमारे खिले खिले बहुत ही अच्छे राइस बन के तैयार हो गए, देखिए बिल्कुल खिले खिले हैं ये। तो चलिए इनको सर्व करते हैं, देखिए ये देखिए, चलिए सर्व करते हैं इनको। और ये पनीर हमारा हो गया है, यहाँ पर मैंगो भी हमने ले लिया है, दही जैसा कि मैंने बताया दही भी दूंगी, और ये हमारा जो है खरबूजा शेक बन गया है। ये ऊपर से दोस्तों इसमें नींबू निचोड़ देते हैं, क्योंकि नींबू से इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। और पनीर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि बच्चे मेरे इसको प्लेन ही ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ, देखिए थोड़ा सा डाला है मैंने, ये देखिए। तो चलिए तो ये हमारा लंच बन के तैयार है, देखिए यम्मी यम्मी। और साथ में है ठंडे, बिल्कुल ठंडे आम और खरबूजे का शेक और दही। तो चलिए गाइस लंच करते हैं हम, क्योंकि बच्चे मेरे टीवी देख रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और बोल रहे हैं मम्मी फटाफट लेके आओ। तो चलिए गाइस गुड नाइट, मिलेंगे सुबह। तो बाय बाय, इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी गाइस, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। तो मैं जो कल ड्रेस वगैरह लेके आई हूँ वो भी मैं सुबह बताऊँगी। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, रसना वगैरह, मिल्क और केला, बिस्किट, और यहाँ तरबूज मैंने कट कर लिया है, चाट मसाला, और इसमें आप जो है काला नमक डाल सकते हो। और ये मेरा नाश्ता है जो नीचे का मैंने निकाला है, और इन छिलकों की सब्जी बनाएंगे। छिलके मैंने अलग कर दिए हैं, इससे जो नीचे चीज़ है वो मैंने जो है निकाल लिया है। तो यहाँ हम इसकी सब्जी बनाएंगे, और ये तरबूज का नाश्ता हम करने वाले हैं, और ये आधा ही मैंने काटा है, आधा दिन में काटूंगी। तो चलिए अब प्याज टमाटर मिर्ची जो भी सब्जी में डालूंगी वो काटूंगी, और इसको बारीक बारीक कट करूंगी।
बस अब इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा और कुकर का ढक्कन लगा के अब 3 सीटी लेऊंगी मैं ताकि जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देसी ककड़ी आज है, इसको छीलना पड़ा है। देखिए विदेशी को मैं छीलती नहीं हूँ, डायरेक्ट ही हम खाते हैं। यहाँ मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। ये चपातियाँ रख दी। तो गैस मैंने देखिए निकाल दी है क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेट में हो गई हूँ। तो चलिए चेक करते हैं कि सब्जी कैसी बनी है। जी हाँ, सब्जी हमारी बहुत ही मस्त बनी है। देखिए ये देखिए, बस थोड़े से आलू को मैं मैश कर दूंगी। ये देखिए और ये सब्जी हमारी बनके तैयार है। टिफिन में डाल देती हूँ मैं स्वामी जी के। स्वामी जी टिफिन तरबूज वगैरह खा गए थे, केले बिस्किट वगैरह खा गए थे वो। तो ये कर दी मैंने सब्जी। तो चलिए रख देते हैं। ककड़ी काट दी है एक में, ओनली मुझे अब छाछ रखनी है। फोन आ रहा है दोस्तों, बात कर लेती हूँ मैं। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ। तो चलिए टिफिन रख देते हैं। और फोन आया था वही ज्योति कलेक्शन के वहां से, क्योंकि मैं वहाँ घड़ियाँ डाल के आई थी। तो भैया ने बताया है कि प्राइस बताइए कि कौन कौन सा, एक का बेल्ट एक का कांटा सही करवाना है। तो कांटा तो वो ऐसे ही कर देंगे। और बेल्ट आ रही है 350 की। ये दोस्तों अभी मैं सारी बोतल भरूंगी, टंकी भर के दे दी नीचे, स्वामी जी की भर दी, फोन भी अटेंड कर लिया। बर्तन इतने से और जमाने हैं, आरो चलाना भूल गई, चला देते हैं, मटकी भर लूंगी। यहाँ मुझे ये जो कल लेके आए थे गाउन वगैरह, ये अभी बताती हूँ मैं आपको। और ये सारी चीज़ें जो है वो जमानी है, देखिए। और कल थोड़ा सा परचूनी सामान मंगाया था तो वो चेक करना है, बच्चे लेके आए थे, कल लेके आए थे थोड़ा बहुत सामान, तो वो निकालेंगे। दोनों बच्चे दोनों बैग से ले आए थे। तो चलिए बिस्किट वगैरह हैं, थोड़ा सामान है, निकाल लेंगे। तो ये दिन में करूँगी मैं, यहाँ मुझे सफाई करनी है, कपड़े धोने के निकाल रखे, मशीन लगानी है। यहाँ ये है आरओ का जो वेस्ट पानी निकलता है वो, तो मैं यहाँ कोई बर्तन लगा रही हूँ ताकि इसको पोंछे में और काम में ले सके पानी को, किसी चीज़ में धोने, बेसिन वेसिन धोने के काम में ले लेंगे। क्योंकि इससे कम से कम भी एक बाल्टी जो पीने का पानी भरता है आरओ का, तो यहाँ दो बाल्टी पानी वेस्ट होता है और अभी पानी की बहुत किल्लत है। तो चलिए आप लोग भी ऐसा ही कीजिए ताकि ये पानी काम आ जाए, गाड़ी वाड़ी धोने के भी काम आ जाता है, फर्श वगैरह धोने, कपड़े धोने के भी काम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे भी हटा हटा के भरूंगी मैं, कम से कम भी 2 बाल्टी पानी निकलेगा, पोछे में काम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं बर्तन वर्तन जमाऊंगी, जो मेरा सारा रसोई फैली पड़ी है, ये सारा समेटा मुझे करना है। तो ये मैं करूंगी, बेटा गया टिफिन देने, एक बेटा पढ़ रहा है। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, बच्चे जब बोलेंगे जब मैं चपातियाँ सेक दूंगी, रायता बना दूंगी। जैसा कि देखा कि मैंने कद्दू की सब्जी बना ली थी, अभी रायता बना लूंगी, बस यही हमारा आज का लंच है। तो चलिए दोस्तों अब मैं और काम करती हूँ, फिर मिलेंगे पार्लर में। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अलॉट गाइस, बाय बाय। ये लंच बनके हमारा तैयार है, सैलेड ले लिया, आम ले लिया, नमकीन ले ली, रायता और ये कद्दू की सब्जी, पापड़ और यहाँ पर हमने लिया है चपाती। तो चलिए लंच करते हैं।